औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टेस्ट 4। ये आपकी जो प्रैक्टिस शीट 4th ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एक्स एंड टाइम टी आर रिलेटेड। एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ द ए एंड बी आर। पहली बात तो ये समझें कि एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू किसके दिया हुआ बेटा, ए टी के, ए टी प्लस क्या दिया हुआ है, बी टी स्क्वायर। याद रखिएगा, डायमेंशन में जब प्लस या माइनस आ जाए तो इसका मतलब है इसको होमोजेनिटी इक्वेशन के मुताबिक कैसे करेंगे, यानी डायमेंशन ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ ए टी के, और वो बराबर होगा किसके, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर के। तो जब आपको ए का डायमेंशन मालूम करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो आपके पास इस तरह से ए का डायमेंशन आपके पास आ जाएगा। ए का डायमेंशन देखिए आपके पास क्या बन रहा है, एक्स। एक्स यहाँ पे क्या कहता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब एल। टाइम का क्या हो जाएगा, टी, उसका मतलब एल टी पावर माइनस वन। तो एक तो डायमेंशन हमने मालूम कर लिया, लेकिन इसमें दोनों का कहा है, बी का भी कहा है। तो बी का कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से, डायमेंशन ऑफ द एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरह से बी इज इक्वल टू, यानी डायमेंशन ऑफ द बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का डायमेंशन। बहुत सिंपल हो गया, बी का डायमेंशन जो है वो बराबर हो जाएगा एक्स के डायमेंशन का, एल ओवर टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ बी बराबर हो गया एल टी पावर माइनस टू। सो बेटा, अब अगर ऑप्शन आप बी देखते हैं तो उसमें पहला लिखा हुआ एल टी इनवर्स वन और एल टी इनवर्स टू, सो दैट वन इज द आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जा रहे हैं अब हम बेटा। क्वेश्चन नंबर टू, ये देखिए, ये कुछ हैं जो आपके सिलेबस में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ नहीं चुके हैं, एक दो चीजें इस तरह की हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आते हैं तो हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। इफ द फोर्स लेंथ एंड टाइम वर द फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें उन्होंने अज्यूम किया किसको, फोर्स को, लेंथ को, टाइम को, क्या कहा, फंडामेंटल यूनिट्स का है, देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मास विल बी। तो इसको करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, मास इज रिलेटेड टू किस किस से कहा है, फोर्स से। तो फोर्स के ऊपर पावर आपने सपोज करें ए है, लेंथ का है एल, उसके ऊपर पावर आपका सपोज करें बी है, और तीसरी क्वांटिटी टाइम दी है टी, इसके ऊपर आप सपोज करें सी है। जैसे जो क्वांटिटीज देंगे उन क्वांटिटीज के ऊपर आप अज्यूम करेंगे ए बी सी क्या है, उनके पावर्स हैं। अब अगर आप देखें एम इज इक्वल टू में लेकर आएंगे तो यहां पर कॉन्स्टेंट के देंगे, एफ ए एल बी, ये इसका पूरा प्रोसीजर है हल करने का, मैं पूरा आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और याद रखिएगा के क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ये कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। अब ये क्या था, मास, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम एल नॉट टी नॉट इज इक्वल टू के। अब एफ, एफ का डायमेंशन आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था एम एल टी पावर माइनस टू, इसके ऊपर पावर क्या है, ए, और यहां पर एल है तो एल, L का डायमेंशन L ही होगा और ऊपर पावर क्या है इसका, B, और T का डायमेंशन T है और इस पर क्या है, C। तो अब थोड़ा सा इसको अगर हम पहले एडजस्ट कर लें, L नॉट T नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M पावर A, L पावर A, T पावर माइनस टू ए, यानी पावर पे पावर आ जाए तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या था, वन इंटू ए ए हो गया, यहाँ पे वन इंटू ए ए हो गया, ये माइनस टू इंटू ए किया तो माइनस टू ए हो गया, और यहाँ पे क्या है, L पावर B और T पावर C। अब आप इसको सिंपल सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, नॉट है, टी पावर क्या है, नॉट है, इज इक्वल टू एम ए की बार है ए ही रहा, एल दो बार है एल पावर, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, टी पावर माइनस टू ए प्लस सी हो जाएगा। अब बहुत आसान हो गया है, अब इसको आप जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आपके पास इसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। देखो कैसे, मास यानी इसके पावर को इसके पावर से कंपेयर करें, यहाँ पावर क्या है, वन, यानी ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू वन हो गया, बहुत इजीली आ गया। अब एल के ऊपर क्या है, ए प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी, और बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे एल पे पावर क्या है, जीरो, तो यहाँ पे मैंने जीरो लगा दिया। अब बी किसके बराबर हो गया, माइनस ए के, सो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन हो गया जब उस तरफ गया। तो
बिल्कुल इसी तरह से आप टी को देखें तो टी को जब कंपेयर करेंगे तो माइनस टू ए प्लस सी इज इक्वल टू पावर क्या आपके पास जीरो है, तो आप जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो सी इज इक्वल टू माइनस का प्लस टू ए हो जाएगा। सो सी इज इक्वल टू टू ए की वैल्यू वन है आपके पास, सी इज इक्वल टू आपका हो गया थ्री। बहुत सिंपल हो गया। अब आपके पास डायमेंशन ऑफ मास अगर आप कहेंगे कि क्या है इन टर्म्स ऑफ, तो पहले आपके पास क्या था, फोर्स था। फोर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है वन, तो यहां पे वन आ गया। उसके बाद क्या था एल, ये लिखा दिया हमने एल। एल के ऊपर क्या लिखा हुआ बी, बी की वैल्यू क्या थी माइनस वन, ये माइनस वन हो गया। उस टी के ऊपर क्या लिखा सी, तो यहां पे हमने टी लिखा और पावर सी, सी किसके बराबर थ्री के। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सॉरी यहां पे थ्री नहीं यहां पे टू होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका टू था जो मैंने सॉल्व किया। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करने की जरूरत है। हाँ स्टूडेंट कहते हैं सर इतना टाइम हमारे पास थोड़ी होगा एंट्री टेस्ट में, आप इतना सॉल्व करें, ये आप ऑटोमेटिकली फिर कंपैरिजन में आ जाएंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से हल करके प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जजमेंट में वो चीज़ आ सके। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास, बोथ लॉस ऑफ द रिफ्लेक्शन वर डिस्कवर्ड बाय, याद रखिएगा इब्न हेशम ने किए थे रिफ्लेक्शन के राज भी और रिफ्लेक्शन के भी, तो इसका आंसर क्या होगा इब्न हेशम। डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जी की वैल्यू जो है वो 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होती है। अगर इसको आप सी जी एस सिस्टम में करेंगे तो बहुत सिंपल सा भी है, 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 11 अपनी जगह पे, एक न्यूटन किसके बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन के होता है, और एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बेटा डिवाइड करेंगे किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर है, एक किलोग्राम का मतलब 10 पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पावर 6 ग्राम स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ पे जी की वैल्यू इज इक्वल टू हो गई 6.63 इंटू 10 पावर देखिए माइनस 11 और इसमें से 9 जाएंगे, 9 जब जाएंगे तो माइनस के 2 और 6 ऊपर आएंगे तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सो दिस वन इज आंसर। सो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन ए 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह के प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए। समटाइम्स क्या होता है कि कोई ना कोई पूरे फिजिक्स के पेपर में एक दो प्रॉब्लम ऐसे दे देते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कितना टाइम, बाकी जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल टिक लगाने वाले होते हैं ना, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई न्यूमेरिकल दे देते हैं तो उसको हल कर सकें, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर, एक लेंथ मिली हुई है एल मिली हुई है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, लेंथ मिली हुई है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और विड्थ मिली हुई है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आपने मालूम क्या करना है, इसकी प्रोबेबल एरिया क्या होगी, एरिया इज इक्वल टू किसके होते एल इंटू डब्ल्यू। सो एरिया इज इक्वल टू एल आपके पास हो गया 2.3 प्लस माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 प्लस माइनस 0.1। अब अगर इसको ओपन करेंगे आप तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये आपके पास हो जाएंगे 3.68, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.23। अब इस 0.2 से इस पूरे को करेंगे तो प्लस माइनस 0.32, इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.02। अब बेटा अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 3.68 इन सब को तीनों को जब प्लस कर, प्लस माइनस को तो हमेशा ऐड होंगे, दैट्स इक्वल टू, ये मेरा ख्याल है आपके पास आ जाएगा 2 और 2, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 to 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 3 और 2 5 हो गया, 0.57 हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक, यहाँ पे देखें इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया था तो इसमें कितने थे 1 2 डिजिट से, इसमें भी 2 थे लेकिन यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या करेंगे 3.7 कर लेंगे। प्लस माइनस यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं, देखो ऐड करने के दौरान फिगर्स में डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, लेकिन डिजिट 2 आ रहे हैं तो 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। सो दैट्स द आंसर। और अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर
सी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर 2.5 × 10⁴, ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर सब्ट्रैक्ट, ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपने, 3.9 × 10⁵ में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक। तो अब देखिए, जब तक पावर और बेस सेम नहीं होंगे तब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको एक ही पावर में लेकर आ जाए। देखिए यहां पे आपके पास है 3.9 और यहां × 10⁴ है। तो अब अगर ऑप्शन की तरफ आप जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि 5 के आर से अगर इसको हम करें तो ये हो जाएगा 3.9 × 10⁵ माइनस, इसका पावर अगर 5 करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁵। बेटा आप जब इसको माइनस करेंगे आप तो बेस तो सेम ही रहेगा, 10⁵ ही रहेगा, और यहाँ पे आप यहाँ पे 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ पे 8 में से 2 जाएंगे 6, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। लेकिन अगर आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पे कितने डिजिट थे 2, यहाँ पे भी कितने थे 2, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, उसका मतलब ये आपको इसको सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक दो फिगर्स में आपको लेकर आना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 3.6 × 10⁵ हो जाएगा। याद करें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब 5 को रिड्यूस करना होता है, इवन नंबर होगा तो सेम रहेगा, ऑड होता तो ऐड कर से। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स अब हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 सेकंड इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू, अब ये एक बात तो ध्यान में रखें कि एक सीजियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से वेव्स ऐसे निकलती हैं, इस तरह से वेव्स। अब देखिए सेकंड को डिफाइन कैसे करें, कितनी वेव्स लिखनी है, 9,19,26,31,770 वेव्स, एक कांस्टेंट फिगर है जो जिस तरह से मुझे रटी हुई है इस तरह से आपको रट जाएगी, याद करनी है, जाहिर है इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। 9,19,26,31,770 वेव्स जितने निकलने यहां पे, जो वेव्स इसमें से एमिट हो रहे हैं, जैसे यहां से ये 1, ये 2, ये 3, 4, इस तरह से इतनी वेव्स के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड इज द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर अ सीजियम एटम टू प्रोड्यूस 9,19,26,31,770 वेव्स। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को जब हम हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में द 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज कॉल्ड, ये केल्विन की फंडामेंटल डेफिनेशन है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर कहते किसको है, सिर्फ वाटर ही नहीं, किसी भी चीज को अगर ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो तीनों स्टेट्स में पाया जाए, यानी सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो वाटर जो है जब −273.16, आपको पता है ये फ्रीज, वहां पे जाते एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास 273.16 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जब पानी तीनों हालतों में पाया जाता है, यानी किसमें, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। अब इसके अगर इतने ही पार्ट्स कर दिए जाएं, यानी उस टेम्परेचर के ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के कितने हिस्से कर दिए जाएं, 273.16 पार्ट्स कर दिए जाएं, तो हर पार्ट को क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे। तो इसका मतलब ये केल्विन की डेफिनेशन भी है, तो इसका आंसर आपके पास जो है वो होगा डी पार्ट, और इसका ऑप्शन डी है, और डी में आपने देखा होगा इसका आंसर क्या है, डी, और वो है केल्विन, ये केल्विन की फंडामेंटल डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी कितनी गिवन है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूबिक, इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम है, इसको कन्वर्ट कैसे करें, ये 13.6 किलोग्राम को किलोग्राम में करना है, इसका मतलब है 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। सेंटीमीटर को आपने किस में करना है, मीटर में करना है,
तो आपके पास 10^-2 मीटर होता है, एक सेंटीमीटर इसके ऊपर क्या है -3, सो दैट मीन्स 13.6 इंटू 10^-3 ये हो गया आपके पास किलोग्राम इंटू 10^-, यहाँ पे अगर पावर की आप बात करेंगे तो माइनस है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर हो जाएगा। सो दैट्स इक्वल टू 13.6 इंटू 10^-3 में से प्लस के 3 जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और चाहें तो आप 13.6 इंटू 10^3 को अगर हल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ये kg क्यूबिक मीटर। सो दिस वन इज़ आंसर, तो आपके पास ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में ही दिया है द डायमेंशन ऑफ द रिलेशन, एक फार्मूला दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, उसमें कहा है उन्होंने लिखा एफ एल पर यूनिट मास, ये एक रिलेशन दिया आर द डायमेंशन ऑफ, बोला इसका डायमेंशन किसके बराबर है, तो बहुत सिंपल सा वे है। सबसे पहले आप क्या करें, ये फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLt^-2, लेंथ का एल होता है, मास का एम होता है। अब देखिए एक तो एम कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा है यहाँ पे एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर t^-2, आपको पता है स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो हाफ पावर बाहर आता है, ये एल आ गया t^-1, हमें पता है ये स्पीड का या वेलोसिटी का होता है, तो जो ऑप्शन आप देखते हैं वेलोसिटी गिवन है डी ऑप्शन में, तो दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप आएंगे तो 12 आपने खुद करना है एग्जैक्टली, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, आपने खुद ही हल करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन, ये 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है 12 जो है 12 का ऑप्शन आपके पास ए है, ए इज अ करेक्ट आंसर, हल आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का मैं हल कर चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सिग्निफिकेंट फिगर, अब जो पहला पार्ट दिया उसमें एक सिग्निफिकेंट है, दूसरा पार्ट उसमें भी एक सिग्निफिकेंट, तीसरा पार्ट उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका मतलब सब में ही सिग्निफिकेंट है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि नन ऑफ द देम इज द आंसर विच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर आप जाएं तो 14 में है विच आर द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल, रेडियन डायमेंशनलेस होता है, कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेंथ डायमेंशनलेस होता है, इसका मतलब तीनों ही डायमेंशन है डायमेंशनलेस है, तो आखिर में डी जो आप आंसर है दैट वन इज द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट भी सही है डायमेंशनलेस है, सेकंड भी डायमेंशनलेस है, और थर्ड भी डायमेंशनलेस है, तीनों ही क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर आप जाएंगे द वैल्यू ऑफ द जी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो वट विल बी इन अ सीजीएस सिस्टम, बहुत सिंपल सा 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, आपको मीटर को सिर्फ आपने किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें, बहुत ही आसान है ये, आपको मैं डेटा दे चुका हूँ, 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर किसके होता है, 10^5 डाइन के होता है, फोर्स का यूनिट है, तो ये आपका 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अब हम जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें तो लिखा है 1 यार्ड, तो आपको पता है 1 यार्ड जो होता है वो बराबर होता है 3 फिट के, और 1 फिट में इंच कितने होते हैं, 12, दैट्स इक्वल टू 36 इंचेस। ये सिंपल सा आंसर था, ये कन्वर्जन थी, ये आपको यकीनन आती होगी। और क्वेश्चन नंबर 18 में अगर जाएं तो इसका ऑप्शन आपने देख लिया 17 का, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, 16 ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाए, लाइट ईयर कंटेंट्स हाउ मेनी मीटर्स, ये लास्ट टाइम भी मैं आपको बता चुका हूं, ये 9.45 इंटू 10^15 आपके पास क्या है, 15 मीटर है, अगर ये किलोमीटर में आंसर दिया जाता है तो 10^12 हो जाता, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। 18 के बाद 19 क्वेश्चन में जाएंगे तो आपका द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 इज इक्वल टू, एटॉमिक मास यूनिट में 12 amu कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट, दिस वन इज आंसर, आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें amu इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है,
1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम के, ये भी आपके पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस टेस्ट।